हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी साइमा खान। आज मैं आप सभी के लिए रिव्यू लेके आई हूँ कार्सेल का मका एसेंस हेयर मास्क। कैसे अप्लाई करना है, रिजल्ट कैसा है, मैं लाइव डेमो भी दूंगी कि मैंने अप्लाई करने के बाद मुझे कैसा रिजल्ट इसका लगा, क्या सच में वर्क करता है, कोलाजन है ये, कैसे हेयर टाइप को यूज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट का रिव्यू को स्टार्ट करती हूँ। प्रोडक्ट जो है मैंने 500 ml ऑर्डर किया है, ऑनलाइन मिल जाता है बहुत इजीली। बट हाँ, आपको ओरिजिनल कैसे फाइंड करना है और फेक कैसे, मैं इस वीडियो में वो भी बता दूंगी। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 899 rupees है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड। जो प्रोडक्ट है वो है चाइनीज और इसका बहुत जगह ऐड आ रहा है, काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है अभी, तो मैंने भी सोचा इसको ट्राई करते हैं क्या वर्थ इट है कि नहीं है। सबको मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगी। सो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। इसमें जो है, जो इंग्रेडिएंट्स का मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है मक्का, मकई, जो सब जानते हैं बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्लस कोलाजन है इसके अंदर, जो आपके डैमेज को रिपेयर करेगा, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। वर्क कितना करेगा वो हम हाउ टू यूज़ के बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया मुझे। अभी मैं आपको इसके मेन इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूँगी, जिसमें है मका एसेंस, मोरक्कन ऑयल, कोकोनट ऑयल, अर्निका फ्लावर, जो कि मोस्टली इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो है ऑर्गेनिक और काफ़ी नेचुरल है। कोलाजन से क्या होता है, जो हमारे हेयर ब्रेकेज हैं वो फिल होके और हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए हाउ टू यूज़ देखते हैं। सबसे पहले इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट है। सबसे पहले अपने बालों को टॉवल ड्राई करिए वॉश करने के बाद शैम्पू से, और सेक्शन करके हर एक सेक्शन में बहुत अच्छे से मास्क को लगाइए, मिड हेयर से लेके नीचे तक। आपको रूट्स अवॉइड करना है क्योंकि जड़ों में ना कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम नहीं अप्लाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से हर एक सेक्शन में बहुत अच्छे से आपको हेयर मास्क लगाना है और एंड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान दे के लगाना है। ऊपर आप कम भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो बाल नीचे के होते हैं ना वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। 15 to 20 minutes आपको एज इट इज़ लगा के इस मास्क को रखना है, उसके बाद वॉश करना है। जब मैंने ड्राई किया है ना तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। जब मैं कोम्ब कर रही थी तभी मुझे फील हो रहा था कि नहीं, प्रोडक्ट ने वर्क किया, बट जैसे उन वायरल वीडियोज़ में दिखाया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे, वैसे तो नहीं, बट हाँ अप टू मेरे 50% स्ट्रेट हो चुके थे, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया प्रोडक्ट, क्योंकि 899 में भले ये प्रोडक्ट है बट आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू माय हेयर लेंथ, मेरा तो 10 से 12 times मैं हेयर मास्क ही अप्लाई कर सकती हूँ। वीक में ट्वाइस अप्लाई करना है, और जैसे मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाया डायरेक्शन फॉर यूज़ कैसे, तो बाल पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और ऐसे स्मूथ लग रहे हैं, जैसे कि हम वायरल वीडियोज़ में दिखाते थे मास्क लगाने के बाद ना एकदम से स्ट्रेट, परफेक्ट स्ट्रेट हो गए। तो परफेक्ट स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के प्रोसेस से ही होता है। बट हाँ, अगर आपको घर में ही आपको हेल्दी लुकिंग हेयर चाहिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आई हैव नेवर डन स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग इन माई एंटायर लाइफ। मैंने सिर्फ हेयर कलर कराया था, उसके बाद मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो मैं बीच बीच में हेयर मास्क और हेयर स्पास लेती हूँ। बाकी मैंने कभी भी कोई स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग, इवन मैं नॉर्मल घर में भी मशीन से स्ट्रेटनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि बाल डैमेज होंगे और मैं सबको ही मना करूँगी, क्योंकि उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करने के लिए जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि अभी मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट फेमस होता है ना तो वो हमारे मार्केट में कई कई जगह पे ना डुप्लीकेट मिलने लग जाता है। तो प्लीज़ डू चेक आउट फ्रॉम द लिंक। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई अदर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।